हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, यूं तो आप रोज पूजा अर्चना कर रहे हैं और अभी हम देख रहे हैं आपकी माता जी भी यहाँ पूजा कर रही है, लेकिन आज क्या विशेष मांगने वाले हैं? नहीं, पूजा तो रोज ही होती है और भगवान से प्रार्थना रोज ही करते हैं कि हर दिन अच्छा जाए, विघ्न बाधाएं न हो, सारे रास्ते अच्छे हों और भगवान हमें शक्ति दे, जिस काम में लगे हैं उसमें सफल करें। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और ऐसे में डबल इंजन की सरकार आप जनता को तो कह भी रहे हैं, लेकिन 4.5 साल तक राज्य किसी और ने संभाला और आज आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, न सिर्फ अपनी सीट को बचाने की बल्कि पूरे उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत दिलाने की। नहीं, हम आश्वस्त हैं और मुझे कोई संदेह नहीं लगता, इस बार प्रचंड बहुमत की फिर से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और लोग फिर से हमें अपना बहुमत और आशीर्वाद दोनों देने वाले हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच आज वोट के लिए आप जा रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता आपको एक बार फिर से बहुमत यहां पर देगी? देखिए, विकास के मुद्दे हैं, हमने काम किया है और साथ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार जो उत्तराखंड के साथ उनका एक रिश्ता रहा है, नाता रहा है और उन्होंने जो यहाँ के लिए काम किए हैं हर क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, तो अभूतपूर्व रूप से चारों ओर जाल बिछाया है। भारतमाला प्रोजेक्ट है, ऑल वेदर रोडों के प्रोजेक्ट हैं। कांग्रेस कह रही है, हरीश रावत जी ने अभी हाल ही में आज तक को ये कहा कि ऑल वेदर रोड के लिए आप लोग खामखा क्रेडिट ले रहे हैं, दरअसल सोच उन्हीं की थी। हरीश रावत जी या कांग्रेस तो जो कहते हैं कि 1947 में जो ईंट लगाई थी जो आज पूरी हो रही है, उनको भी वो अपना बताते हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आज जनता उसका फैसला कर देगी। लेकिन इस बार थोड़ा चुनाव जो है वो ज्यादा उत्तराखंड का दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि हर बार प्लेयर के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस को ही देखा जाता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, क्या कहेंगे? नहीं, एक तरफा जीत होने वाली है, कहीं किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वो लोग आपस में दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने नारा दिया है आपकी बार 60 पार, तो 60 पार होगा। 60 पार होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और दिलचस्प चीज उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, वो ये कि एक तरफ सबसे पुराना और सीनियर लीडर कांग्रेस का हरीश रावत और दूसरी तरफ सबसे युवा लीडर आप हैं, बहुत ही दिलचस्प। नहीं, इस बार देखिए भारी कौन पड़ेगा ये बताइए। देखिए, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के रूप में और उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता हमें आशीर्वाद देगी। साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि उत्तराखंड में यूं तो बहुत पहाड़ियां हैं, बीजेपी इस पहाड़ियों पर किस हद तक चढ़ पाई है, क्योंकि नीचे खाई भी है, तो विकास की पहाड़ियों पर चढ़ पाई है? नहीं नहीं, सारी खाई जो है सारे गड्ढे भर गए हैं और खाई पर हाईवे पर बहुत तेजी से गाड़ी दौड़ रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे साथ और आज आपको बता दें उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। कैमरामैन सत्या के साथ श्वेता झा आज तक।